कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो हेलो खूनी गर्ल्स फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की वीडियो होने वाली तुम्हारी कंट्रोल सेटिंग के बारे में। तो देखो फ्री फायर के अंदर जो आप लोगों की कंट्रोल सेटिंग होती है वो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फ्री फायर गेम का, क्योंकि उसकी मदद से आप लोग अपने गेम को बहुत ही ज्यादा ईजी बना सकते हो। जैसे अगर आप लोग के बन टैप नहीं पड़ते हैं, हेडशॉट नहीं पड़ते हैं, या फिर आप लोग ग्लू बॉल लगाने में प्रॉब्लम आती है, या फिर आप लोग की मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, साथ ही अगर आप लोग टू फिंगर पे खेलते हो और अगर आप लोग थ्री फिंगर पे शिफ्ट होना चाहते हैं, फिर फोर फिंगर पे शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर आप लोग थ्री फिंगर गेम खेलना चाहते हो या फिर फोर फिंगर गेम खेलना चाहते हो, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है कंट्रोल सेटिंग। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको बताने क्या वाला हूं। तो देखो जो मैं कंट्रोल सेटिंग गेम के अंदर यूज करता हूं या फिर जिन कंट्रोल सेटिंग पे मैं खेलता हूं, वही मैं कंट्रोल सेटिंग आपको बताऊंगा। बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके कि ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चलो गाइस बिना किस टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यहां पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिवअवे और चल रहा है। आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड नेबो दूंगा और ये जो डायमंड गिव अवे वो टोटली फ्री है। इस डायमंड गिव अवे के बदले में ना तो आपको कोई आईडी पावर देने, ना ही आपको कोई पैसे वैसे पे करने। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड विन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोग को आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी सेटिंग मैसेज डाल देना है। आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड नेबो दे दूंगा। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो हो सके तो मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं कंट्रोल सेटिंग के बारे में, बात कि आपको अपने मोबाइल के अंदर कौन कौन सी कंट्रोल सेटिंग रखनी चाहिए। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। अब देखो पहले मैं यहाँ पर आपको जो जो कंट्रोल सेटिंग बता रहा हूँ उसे देख लेना, देन उसके बाद आप लोग चाहो तो इन कंट्रोल सेटिंग का अपने मोबाइल के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप लोग अपनी कंट्रोल सेटिंग के अंदर जाओगे तो सबसे ऊपर मिलता है आप लोगों को एम वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को हमेशा अपने एम को डिफॉल्ट पे सेट करके रखना है। उसके बाद आप लोगों को मिलता है लेफ्ट फायर बटन, तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आप लोगों का ऑलवेज वाला और दूसरा होता है आप लोगों का सोव हैंड स्कोप, तो इसे भी आप लोगों को हमेशा ऑलवेज पे ही सेट करके रखना है। अब इसके जस्ट नीचे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है होल्ड फायर टू स्कोप। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग के स्नाइपर गन पर ही वर्क करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर भी दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आप लोगों का ऑफ वाला और दूसरा होता है आप लोगों का ऑन वाला, तो इसे भी आप लोगों को हमेशा ऑफ पे सेट करके रखना है। उसके बाद आप लोगों को दो ऑप्शन और देखने को मिलते हैं जिसके नाम होते हैं क्विक वेपन स्विच और क्विक रिलोड। तो या आप लोगों के ऑफ होते तो सिंपली इन पर क्लिक करके इन दोनों को ऑन कर देना है। उसके बाद आप लोगों को मिलता है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर, तो यहाँ पर भी आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं ऑन और ऑफ वाला, तो इसे आप लोगों को हमेशा ऑफ पे सेट करके रखना है। उसके बाद देखो अगर आप लोग फील्ड सेंसिटिविटी का यूज करते हो तो आप लोगों को फील्ड सेंसिटिविटी को ऑन करना है, अदरवाइज आप लोगों को फील्ड सेंसिटिविटी को हमेशा ऑफ पे सेट करके रखना है। मैं हमेशा फील्ड सेंसिटिविटी को ऑफ पे सेट करके रख रहा हूँ क्योंकि मैं फील्ड सेंसिटिविटी का यूज नहीं करता। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑटो स्विच गन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसे भी आप लोगों को ऑन कर देना है। उसके नीचे आप लोगों को देखने को मिलता है बीआर स्कोर बोर्ड, तो इसे आप लोगों को हमेशा होल्ड पे सेट करके रखना है। और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं ऑलवेज ऑन, तो आप लोगों को हमेशा इसे ऑलवेज ऑन पे सेट करके रखना है। उसके बाद आप लोगों को ग्रेनेड स्लॉट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं सिंगल स्लॉट और डबल स्लॉट, तो इसे आप लोगों को हमेशा डबल स्लॉट पे ही सेट करके रखना है। देन उसके बाद आप लोगों को ग्लू बॉल स्मार्ट थ्रो परमानेंट ग्लू बॉल वाला बटन भी देखने को मिलता है, तो ग्लू बॉल स्मार्ट थ्रो को हमेशा ऑफ पे सेट करके रखो। परमानेंट ग्लू बॉल वाले बटन को आप लोग अपने मन के हिसाब से कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग इसे ऑन करके रखते हो तो आप लोग कस्टम एचडी के अंदर आप लोगों को परमानेंट ग्लू बॉल वाला बटन देखने को मिलेगा, अगर आप लोग इसे ऑफ करते तो आप लोगों को परमानेंट ग्लू बॉल वाला बटन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है आप लोगों को रन मोड वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं क्लासिक ड्रैग और मिक्स। अब आप में से बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इसे किस पे सेट करके रखना है, तो आप लोग इसे क्लासिक पे सेट करो या फिर आप लोगों को करना है इसे मिक्स पे सेट। मैं हमेशा इसे मिक्स पे सेट करके रखता हूँ, आप लोग कभी भी इसे ड्रैग पे सेट नहीं करना है। तो आप लोगों का जो रन मोड होता है इसे आप लोगों को या तो क्लासिक पे सेट करना है या फिर आप लोगों को इसे मिक्स पे सेट करके रखना है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग हमेशा अपने रन मोड को मिक्स पे सेट करके खेला करो। उसके बाद आप लोगों को मिलता है व्हीकल कंट्रोल, यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं 200 और 100। अगर आप लोग गाड़ी दो हाथ से चलाना चाहते हो तो आप लोग को 200 कर देना, अगर आप लोग गाड़ी एक ही हाथ से चलाना चाहते हो तो आप लोग को 100 पे सेट करके रख देना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो 200 वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आप लोग को इसे ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप लोग इसका यूज करके गाड़ी चलाते तो आप लोगों को गाड़ी चलाना बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगा। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं आप लोग की विजुअल सेटिंग के बारे
टाइम बात, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ। क्या देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। इसके साथ ही आज आपको एक छोटा सा कमेंट और करना है कि अगर आप लोगों ने आज ही हमारे चैनल को न्यू सब्सक्राइब किया है तो कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिख देना। अगर आप लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो या फिर आप लोगों ने काफी टाइम पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों को ओल्ड सब्सक्राइबर लिख के कमेंट कर देना है। तो चलो अभी हम बात करते हैं आप लोग की विजुअल सेटिंग के बारे में बात। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे ऊपर में देखने को मिलता है क्रॉस हेयर टैप। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला तो होता है आप लोग क्लासिक वाला और दूसरा होता है आप लोग का न्यू वाला। तो आप लोग को हमेशा इसे न्यू पर सेट करके रख देना है। अब जब आप लोग अपने क्रॉस हेयर टैप को न्यू पर सेट कर दोगे देन उसके बाद आप लोग को नीचे साइड ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है डैमेज इंडिकेटर। तो यहाँ पर भी आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्लासिक और न्यू। अब आप में से बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इसे न्यू पर सेट करना है फिर क्लासिक पर सेट करके रखना है। आप लोग को डैमेज इंडिकेटर को क्लासिक पर सेट करना है, देन उसके बाद आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है हिट मार्कर। तो आप लोग को इसे न्यू पर सेट कर देना है। देन उसके बाद आप लोग को आता है टीममेट इन्फो, तो इसे भी आप लोग क्लासिक पर सेट कर देना है। देन उसके बाद आप लोग को सबसे नीचे में ऑप्शन देखने को मिलता है टीममेट निकनेम, तो यहाँ पर भी आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं हाइड और डिस्प्ले। तो आप लोग को इसे हमेशा डिस्प्ले पे ही सेट करके रख देना है। तो ये तो थी मेरी कंट्रोल सेटिंग के बारे में बात। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके इसके ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो बनाकर डालूं तो आप लोगों को पार्ट टू लेके कमेंट कर देना। इसके ऊपर मैं सबसे बेस्ट और सबसे इजी वे में समझाने वाली वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। हाँ गाइस, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉपअप करते ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे। तो आज की इस वीडियो में आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। उससे पहले देखो, तीसरी बार मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार 2 मिलियन फैमिली के बहुत ज्यादा करीब है, तो आप लोगों को अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि देखो तीन बार मैं आपको बोल चुका हूँ, तो तीन बार में तो आप लोग का दिल पिघल जाना चाहिए। देखो, अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आज की इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाना है। वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी जहां पर मैंने आपको विद प्रूफ के साथ समझाया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर जो वीडियो की लिंक मैंने पिन कर रखी, तो उस वीडियो को जाके एक बार मेरे कहने से पूरा का पूरा देख लेना, वहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाया। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होप करता हूँ कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाओगे।